जय सच्चिदानंद फ्रेंड्स, सुनीता राजपूत के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम नवरात्रि स्पेशल अष्टमी और नवमी की बिना प्याज लहसुन की थाली तैयार करेंगे, माता का प्रसाद तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 पाव के करीब काले चने लिए हैं, इसको रात भर भिगो दिया था, ये भीग चुका है। इसको हम कुकर में डाल लेंगे और इसमें डालेंगे हल्दी और 1 छोटा चम्मच नमक और इसको 1 सीटी लगा लेंगे और उसके बाद धीमी आंच पे इसको 10-15 मिनट तक पकाएंगे। जब तक हमारा चना पक रहा है तब तक हम पूड़ी के लिए आटा तैयार करेंगे। आटा लिया है, इसमें अजवाइन डाला है क्रश करके और इसमें नमक डाला है और उसको अभी हम आटा टाइट आटा लगा लेंगे, जैसे पूड़ी के लिए टाइट आटा गूंथते हैं उस तरीके से। ये हमने आटा गूंथ लिया है, अब इसमें हम तेल लगा लेंगे। ये टाइट आटा लगाया है मैंने, अब इसमें तेल लगा के इसको रख देंगे। अब एक कढ़ाई तैयार लेंगे, लोहे की कढ़ाई ली है मैंने और इसमें हम करीब 1 छोटी कटोरी मैंने घी लिया है। और उसी छोटी कटोरी के बराबर ही मैंने बारीक रवा लिया है। अब घी गर्म हो गया है, बारीक रवा को इसमें डाल देंगे, धीमी आंच पे ही इसको हम भूनेंगे। इसको लगातार हिलाते हुए भूनेंगे। और मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, काजू, बादाम, सूखा नारियल और किशमिश, इसको भी इसी में डाल देंगे और इसको भी इसी में भून लेंगे ताकि ये भी साथ में ही भुन जाए। अभी मैंने साइड में उस जिस कटोरी से रवा लिया था उसी कटोरी से 3 कटोरी मैंने पानी साइड में गर्म होने के लिए रख दिया है। अब वही गर्म पानी हम इसमें डाल देंगे। गर्म पानी डालती हैं तो ज़्यादा अच्छा बनता है हलवा हमारा। पानी डाल दिया है, अब इसको हम हिला लेंगे। अब जिस कटोरी से हमने रवा लिया था उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी चीनी ले लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे और मिक्स करेंगे इसको। इसको कंटिन्यू हिलाते रहेंगे और ये बहुत जल्दी बन जाता है हलवा हमारा। और इसमें डाल देंगे लास्ट में छोटी इलायची पाउडर और इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। यह भी हमारा हलवा रेडी हो गया है। अब ये चना भी हमारा पक चुका है, अब इसको एक बार हाथ से चेक कर लेंगे अच्छे से पक गया है कि नहीं। ये बहुत गर्म है, ये पक चुका है। अब एक कटोरी लेंगे हम, इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और लाल मिर्च आपके स्वाद के हिसाब से मैंने 1 चम्मच लिया है और 1 चम्मच ही हम आमचूर पाउडर लेंगे और 1/2 चम्मच लेंगे गरम मसाला। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच पानी और इसको अच्छे से घोल लेंगे। इस तरीके से हम करते हैं तो मसाला हमारा जलता नहीं है और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। इस तरीके से इतना होना चाहिए। अभी हमने एक पतीला लिया है, पतीले में डालेंगे तेल, करीब 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ते, अदरक का पेस्ट लिया है मैंने क्रश किया है और इसमें डालेंगे हींग। हींग ऑप्शनल है, आप व्रत वाली थाली में डालते हैं तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। अब जो हमने मसाले का घोल तैयार करके रखा था वो डाल देंगे पतीले में। धीमी आंच पे ही मसाला पकाएंगे और 1 टमाटर लिया है मैंने बारीक काट के, वो इसमें डाल देंगे। अगर आपको लगता है ग्रेवी डालना है तो आप ग्रेवी भी डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे हरी धनिया बारीक कटी हुई और कस्तूरी मेथी
क्रश करके डाला है मैंने, और इसको लगातार हिलाते रहेंगे। और इसमें अभी हमने जो चने उबाल के रखे थे वो डाल देंगे, और इसको एक उबाल आने देंगे और ये सब्जी हमारी तैयार हो गई। अभी हम पूड़ी बनाएंगे। पूड़ी की छोटी छोटी हम लोइयां बना लेंगे पूड़ी के लिए, और इसको तेल में डिप करेंगे और इस तरीके से, और इसको बेल लेंगे। इकट्ठे 8-10 पूड़ियां बेलने के बाद फिर बाद में हम तलना चालू करेंगे। अभी तेल गर्म हुआ कि नहीं थोड़ा सा हम आटा डाल के देखेंगे उसमें। अभी तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम पूड़ी डाल देंगे और उसको तल लेंगे। तल लिया हमने पूड़ी, इस तरीके से सारी पूड़ियाँ हम तल लेंगे। और ये तैयार हो गई हमारी माता की थाली, माता का प्रसाद, काले चने, पूड़ी और हलवा। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर बनाएं, और ये चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।